आज हम रोड बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा खस्ता है। हम इन्हें फ्राई करके बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। इसी कटोरी से नापकर 2 कटोरी मैदा लिया था। अब 1 कटोरी से थोड़ा सा कम इसमें हम सूजी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने काजू बादाम का को पीस लिया है और थोड़ा सा नारियल को भी, सूखे हुए नारियल को भी पीस कर पाउडर बना लिया था, वो भी हम इसमें डाल करके मिला लेंगे। उससे पहले हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। उसके बाद इसमें हम घी डालेंगे। आप इसमें घी नहीं है तो रिफाइन भी डाल सकते हैं। 1/2 कटोरी घी डालेंगे। घी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए, घी डालने के बाद या फिर कोई भी ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो डालने के बाद इसे आप इस तरह से हाथों में जमा करके देखिए। अगर ये एक साथ चिपक जा रहे हैं, मतलब कि इसमें घी जो है वो सही मात्रा में पड़ा है, और अगर नहीं चिपक रहे हैं तो कम है, आप इसमें और थोड़ा डाल सकते हैं। अब इसमें हम 1/2 कटोरी लगभग केसर वाला दूध डाल देंगे, जो थोड़ा गर्म है, वो डालकर गूंद लेंगे। उसके बाद इसमें हम चीनी डालेंगे, पिसी हुई चीनी 1/2 कटोरी। और चीनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसी तरह से गूंदे। अगर ये ज़्यादा टाइट लगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 चम्मच ही पानी डालें, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये गीला हो जाएगा, क्योंकि चीनी जो है वो पिघल कर पानी छोड़ता है। इसलिए तो आप इसमें 1-2 चम्मच ही पानी डालें, गुनगुना पानी डालें। और अगर ये गीला हो गया हो तो आप इसमें ऊपर से सूखा हुआ मैदा डालकर थोड़ा सा मिला सकते हैं, लेकिन इसे ज़्यादा गीला नहीं गूंदना है, इसे टाइट ही गूंदना है। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। देखिए, यहाँ पर मैदे को गूंद लिया है, ये टाइट है, ज़्यादा गीला नहीं है। इस तरह से इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। जितने अच्छी तरह से हम इसे गूंदेंगे उतना ही अच्छे रोड बनेंगे। इतने से मैदे को मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया है। अब इसे हम बेल लेंगे। इस तरह से इसे बेले, दोनों साइड थोड़ा सा सूखा मैदा या फिर आटा आप देकर बेल ले, इससे ये नहीं चिपकेंगे। थोड़ा सा बेलने के बाद इसमें हम अब ऊपर से थोड़े से खसखस डाल देंगे और इसको बेल लेंगे ताकि ये चिपक जाए। अब इस साइड से भी पलट कर हम खसखस डाल देंगे ऊपर से और फिर से थोड़ा सा बेलेंगे ताकि खसखस अंदर तक घुस जाए दब करके। अब इसे हम गोल गोल काट लेंगे। यहाँ पर मैंने गिलास का इस्तेमाल किया, आप किसी और चीज़ से भी इस तरह से काट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक बार में यहाँ पर 5 रोट बन रहे हैं। इस तरह से साइड से जो बचा है उसे हम वापस से बेल लेंगे और बाकी बचे हुए मैदे को भी हम बेल लेंगे। अब इसे हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करें। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से ये अंदर तक नहीं पक पाएंगे, तो लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई होने दें। ध्यान से इसे फ्राई करें। एक साइड जब ये पक जाए तब पलट कर दूसरे साइड से पकाएं। देखिए, इसे पलटते समय भी ध्यान से ही पलटें, क्योंकि ये पक कर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, ये टूटने लगेंगे। आप देख सकते हैं ये बीच से फूल कर फटने के जैसा हो रहा है, तो इसलिए इसे ध्यान से पलटें, नहीं तो ये टूट जाएगा। ये पक करके बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाते हैं,
तो ध्यान रहे इसे आराम से निकालें, नहीं तो ये टूट सकते हैं। जैसे ये ठंडे हो जाएंगे, ये अपने ठंडे होने के बाद खस्ता हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, तो इसलिए आप इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। पक कर ये मुलायम हो जाते हैं, इसलिए आप इसे फैला कर रखें निकालने के बाद। इस तरह से बाकी बचे हुए रोट भी हम फ्राई कर लेंगे, लो फ्लेम पर ही फ्राई करें। इसमें भूनते समय सोडा बिल्कुल ना डालें, नहीं तो ये फूल कर फटने लगेंगे और तेल भी बहुत ज़्यादा खींचेंगे। इस तरह से सभी रोट बनकर तैयार है, आप भी इसे ज़रूर बनाएं।